बंटी आ गई है। मुझे डिस्टर्ब मत करो, भाग जाओ यहाँ से, बहुत बिजी शेड्यूल है सब जी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंगाल। मुझे डिस्टर्ब मत करो, भाग जाओ यहाँ से, सब्जी बना लो। ठीक है, तो आज की शुरुआत हम सीधे सब्जी से करते हैं, क्योंकि व्हाट सब्जी? सब्जी सब्जी, और वो भी मतलब गांव वाली सब्जी, तोरी की सब्जी है। आज हमारे बिल्कुल ग्रीन हरी हरी सब्जी बनेगी। उससे पहले का तो नहीं बताओगे कि हनी ने झाड़ू पोछा किया और मेरे को बनाना शेक पिलाया? चलो बता देती हूँ, हनी ने झाड़ू पोछा कर दिया है, मशीन लगा दी है और मुझे बनाना शेक भी पिला दिया है। उसके बाद फिर भूख लग गई, सब्जी बना रहा हूं। और सब्जी मैंने काटी है, ठीक है, हनी ने नहीं काटी है, सब्जी सारी मैंने काटी है, हनी ने ओनली हरी मिर्ची काटी है। अभी मैं दिखाती हूँ सब्जी बना रहे हैं वो। देखिए गाइस, मैंने कितनी अच्छी सब्जी काटी है, वो हम इस सब्जी बना रहे हैं इधर। एग्जॉस्ट चलाओ ना। ये देखिए गाइस, हनी ने सब्जी तो बना दी है, इधर रोटी बना रहे हैं अभी। कैसा लग रहा है गर्मी में? एक नंबर। थोड़े दिन मैं तो बाद सबको कहता हूँ शादी करनी चाहिए। थोड़े दिन बाद तो हमारी मम्मी आ जाएगी, तो हनी को परेशान नहीं होना पड़ेगा, है ना? यस। तो गाइस, अभी किया है लंच और टाइम हो गया 1:15 बज गए। अभी कपड़े वॉश हुए हैं, मशीन में से कपड़े सुखाने हैं और उसके बाद आज छुट्टी है, तो एक अच्छा सा कोई ब्लॉग बनाएंगे, कुछ रील्स बनाएंगे, कुछ एडिटिंग करेंगे। बहुत बिजी शेड्यूल है, करते हैं काम स्टार्ट, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए हैं। तो गाइज़, मैं नहा लिया हूँ और अभी टाइम 2 बजने वाले हैं। बंटी के लिए थोड़े मखाने रोस्ट करने हैं और पानी की बोतल भरनी है, खाली हो गई हमारी बोतल, तो पानी की बोतल भर लेते हैं, मखाने रोस्ट कर लेते हैं। तो गाइज़, मैं मखाने रोस्ट करके ले आया, बंटी नहा ली हैं, अभी खाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मैंने डाइट में लिया है। ये देखिए, ये है रोस्टेड मखाना जो कि मैंने रोस्ट किया है, इसके साथ में काजू भी रोस्ट कर दिए, बादाम भी रोस्ट कर दिए, ये अखरोट हैं, ये नारियल है। और बंटी के साथ साथ मेरी भी बात बन जाती है, मैं भी काजू बादाम अखरोट सब खाता हूँ, मेरे को फ़ायदा रहता है, एक के साथ एक फ्री। बंटी आ गई है, चलो भाई खाओ मखाने। तो गाइस देखिए, बंटी यहाँ पे खा रही है मंगोड़ी, ओ सॉरी मखाने, रोस्टेड मखाने। तो मंगोड़ी जैसे हैं ये भी, वो सोयाबीन की होती है। मंगोड़ी तो 10 रुपए में इतनी आ जाती है, ये 10 रुपए में कोई शॉप में ना घुसने देगा, शकल भी नहीं देखने देगा। और ये रोस्टेड अच्छे लगते हैं ना, रोस्टेड। इस पे मैंने हींग डाला, इसमें नमक डाला, हल्की हल्दी डाली और इसको रोस्ट कर दिया। आप भी रोस्ट करके खा सकते हैं मखाने, हेल्दी भी होते हैं, टेस्टी भी होते हैं, खाने चाहिए, है ना बंटी, है ना? Yes. या मैं खा लेता हूँ, नहीं तो बंटी ख़त्म कर देंगे, वो फिर करेंगे वही पेट फुल हो गया। खा लो तो। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा। ये पोस्टर्स हैं जो हम लगाएंगे अपनी दीवार पे, ताकि सुबह उठते ही बंटी को दिखें क्यूट क्यूट बच्चे, ताकि दिन जाए अच्छा। कितने मंगवाए हैं? काफी हैं, करते जाओ करते जाओ। ये टिंका चिक्का, सेम लाइक दिस, ऐसे रखूंगी मैं, देखो कैप बना के। ये इसको तो ठंड लग रही है बेचारे, ये तो टुंगू मुंगू है। ये फोटोज हैं, बताया था किसी ने क्या मतलब, सबको पता ही होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ अच्छा अच्छा देखते हैं, कुछ मतलब जैसा देखते हैं वैसा ही बेबी डेवलप होता है। तो एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनने चाहिए, माहौल पूरा अच्छा होना चाहिए, देखने वाली चीज़ें जैसे फोटोग्राफी वीडियो सब अच्छी देखनी चाहिए, ताकि बच्चे पे असर अच्छा पड़े। डॉक्टर ने भी यही बोला है ना कल? हाँ, डॉक्टर ने भी यही बोला, पॉजिटिव रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, अच्छी अच्छी चीजें देखो सुनो, हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदर कांड पढ़ो,
अच्छी वीडियोस देखो, मोटिवेट रहो, ये सब प्रेगनेंसी में जरूरी है। अभी हम इनको अरेंज करते हैं, लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं देखते ये हैं। अच्छा है हमें ऐसा एक ऊपर वाला भी आता है ना। और ये देखो गाइस, गए थे मार्केट में डबल टेप लाने के लिए, पोस्टर चिपकाने के लिए, और दूध लेके और खीरा लेके वापस आ गए। इसको बोलते हैं सो इंटेलिजेंट केस। अब जाओ दोबारा से टेप लेके आओ, पर अभी नहीं जाएंगे, अभी दूध की कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी और सैंडविच बना के खा के फिर जाएंगे। अभी पहले थोड़ा सा रेस्ट करते हैं एसी में। तो गाइज़ अभी हमने बना लिया है कोल्ड कॉफ़ी और सैंडविच। ये हमारी सैंडविच है, ये कोल्ड कॉफ़ी है, अभी पी लेते हैं। और टाइम हो गया है 5:15, काफ़ी लेट हो गए क्योंकि बीच में बंटी का सर दर्द हो गया था, हेडेक की वजह से थोड़ा रेस्ट करना पड़ा। तो गाइज़ अभी आए हैं बाहर से प्रसाद लेके, आज मंगलवार है इसलिए प्रसाद चढ़ाएंगे बाबा का, जोत करेंगे। और डबल टेप लेके आए हैं, ये चिपकाना भी है, ये काम पेंडिंग है। देखो 7:30 हो गए, अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। बंटी के सिर में हेडेक हो गया था, सिर में हेडेक हो गया था तो किस में होता है, सिर में होता है ऐसे बोलेगा तो बंटे के सिर में दर्द हो गया था, यही बोलो बंटे का हेडेक हो गया, बंटे को हेडेक हो गया था। ओके, और ये हेडेक क्यों होता है प्रेगनेंसी में यार, पता नहीं, रोज ही हो रहा है। कोई बताओ क्या सोल्यूशन है इसका, कोई तो बताओ कुछ, ताकि बंटी को हेडेक ना हो। क्योंकि मेरे को पता है हेडेक में बहुत दिक्कत होती है, मेरे को जब हेडेक होता है ना, हेडेक नहीं होता, ऐसे होता है नस फटेगी बस। हाँ, बहुत बुरा हाल हो जाता है, और एकदम से होता है, ऐसे बैठे हो ना एकदम से स्टार्ट हो जाता है। यस, जब ही मैं कह रहा हूँ लोगों से भाई, जो किसी को, जो प्रेग्नेंट हो चुके हैं, जिनको बेबी हो चुका है, वो बताएं क्या करना चाहिए। और हनी मेरे हेयर ठीक नहीं करवा के ला रहे, बोल रहे हैं कर्ली अच्छे लगते हैं। कर्ली तो अच्छे लगते हैं, लिटरली बता रहा हूँ, कर्ली ऐसे अच्छे लगते हैं, बट थोड़ा सा इनको ऊपर रखो, चिपकाओ मत, तब अच्छे लगेंगे। तो अभी हम मैं जोत कर देता हूँ, फिर ये चिपकाएंगे जो बेबी पोस्टर्स हैं ये। और अभी थोड़ा बाहर घुमा के लाया हूँ, बंटी को थोड़ा सा तो रिलैक्स मिला है। बाहर जाती हूँ ना तो ठंडी हवा लगती है तो थोड़ा ठीक लगता है, अंदर चार दीवारी में घुटन से फील होती है ना। देखते हैं क्या सोल्यूशन है, डॉक्टर से बात कर। तो गाइज अभी डिनर किया था, अभी वो पोस्टर लगाने वाले थे, बट अभी एकदम से धीरज का फ़ोन आ गया, हमें जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या बात हुई है। तो अभी हम निकल रहे हैं, टाइम हो गया 10 बज गए रात के, लेकिन अभी जाना ज़रूरी है तो अभी निकलते हैं। बाकी वहाँ जाके देखते हैं क्या बात है, क्यों बुलाया है। तो गाइज आधी रात में बीच रोड में खड़े हैं हम, धीरज के पास मिल के आ गए वापस। और यार उसने तो ऐसे ही डरा दिया था, कुछ खास था नहीं। हुआ क्या, हमारा हो गया था घी ख़त्म, और कल मैंने ऐसे ही मम्मी से बात करते करते बोला था कि हमारे पास घी नहीं है। मम्मी ने, धीरज गया हुआ था घर, उसके हाथ घी पहुँचाया है, कुछ और आइटम है, सब्जी वगैरह, अमरूद घर के लगे हुए, वो सब चीज़ें थी, वो सब दी, और बताया भी नहीं धीरज ने कि। और ये देखो बंटी के लिए क्या मिला, डेरी मिल्क, और ये धीरज ने गिफ्ट किया है बड़े वाली, और सरप्राइज है, पता भी नहीं चला, आराम से चुपके से रख दी थी धीरज ने, बाद में पता चला। और जो सामान है वो पीछे रखा है, जाके दिखाता हूँ आपको क्या क्या दिया है मम्मी जी ने। घी यहाँ रखा है, जाके घी यहाँ पे रखा तो हुआ है, लेट हो जाएंगे रास्ते, बीच रास्ते में खड़े हैं, काफी लेट हो गए हैं, काफी टाइम हो गया है, पहले पहुंच जाते हैं घर। और ये वीडियो वहाँ पे इसलिए नहीं बना पाए थे, अंधेरा था जहाँ हम खड़े थे, तो इसलिए वहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर पाए। और जब ऊपर गए थे वहाँ पे तो वहाँ फोन गाड़ी में ही रह गया था, तो इसलिए शूट नहीं कर पाए थे। अभी हम देखो बीच हाईवे में हैं, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, हाईवे बिल्कुल सुनसान क्योंकि रात का टाइम है, कोई भी नहीं है, और हम बीच रास्ते में खड़े हैं। तो अभी हम पहुँच जाते हैं पहले घर, बंटी वैसे ही डर जाती हैं देर रात को। तो गाइस जब हम घर पहुंच गए हैं, गाड़ी अंदर खड़ी कर दी है, और मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या सामान है जो धीरज लेके आए हैं, जिसकी वजह से हमें आधी रात को भागना पड़ा क्योंकि पहले उन्होंने बताया नहीं, बाद में हमें पता चला वहां पहुंच के। तो हम सामान ले आए हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए हमारी मम्मी जी ने पहुँचाए हैं अमरूद, ये खेत के अमरूद हैं, पेड़ के लगे हुए, खेत की भिंडी हैं, खुद खेत में लगी हुई, ये लौकी है, ये भी खेत की है, मतलब प्योर देसी माल है, बिल्कुल बढ़िया है। और इसमें हमारी लस्सी है, इसमें मिर्ची है डली हुई, इसमें बंटी के लिए दलिया है, आप दलिया खाओगे ना, या तो ये सारा आइटम। और ये नींबू है, ये देखो कितना बड़ा नींबू है, और ये सब खेत का, खुद का, मतलब
लगा हुआ आइटम है, ये नहीं है कि मार्केट से बाहर से मॉल का लिया हुआ है, प्योर आइटम है। ये घी था वो मैंने फ्रिज में रख दिया आते ही, थोड़ा सा मेल्ट हो गया था। और ये बाकी आइटम अभी मेरे को सेट करने हैं। मैंने सोचा पहले आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपका भी जी लल जाए इतना देसी माल देख के, बढ़िया प्योर। तो गाइज ये सब कुछ था जो हम लेके आए हैं, और आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करें। बाय, गुड नाइट।